हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंघानिया फ्रॉम द सिंघानिया ग्रुप्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का जैसे मैंने पहले और भी वीडियोस जो बनाई हैं, यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई म्यूचुअल फंड के बारे में। उसी वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता था, इसलिए मैंने उन वीडियोज़ में नहीं बताया। और सबसे पॉइंट की बात यह है कि इस टाइम पर म्यूचुअल फंड के और जो आपके रिटर्न्स हैं वो बहुत तेज़ी से डाउन हुए हैं। और जो कि होपफुली मैंने अपने बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने सजेस्ट किया था, उन्होंने जनवरी में पैसे निकाल लिए या राइट टाइम पे। तो द सिंघानिया ग्रुप्स बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है कि कब किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड से पैसा कब निकालना चाहिए, स्विच ओवर करने का ये पूरा प्रोसेस करती है। तो अगर आपका भी म्यूचुअल फंड अगर कहीं फंस गया है इस तरीके से और आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि म्यूचुअल फंड को बढ़ने का वेट करें वो कैसे बढ़ेगा, या कभी भी कोई आपका HDFC का ब्रोकर या किसी और कंपनी का ब्रोकर आपको कोई प्रॉपर एडवाइस दे रहा है, तो आप अभी भी अलर्ट हो जाइए। आप अपने पोर्टफोलियो के लिए द सिंघानिया ग्रुप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम मेम्बर्स आपको कॉल अटेंड करेंगे, वो कॉल मेरे तक आ जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो ये हमारी वेबसाइट है, जो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मेरे वेबसाइट और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बहुत सर्विसेज ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड पे इस वीडियो को मैं आप कंटिन्यू करता हूँ, जो भी चीज़ें आप हमें कॉन्टैक्ट करके देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड जो भी है, म्यूचुअल फंड में जो कैपिटलाइजेशन है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे कि इसके दो तीन सिग्नल्स हैं, दो तीन तरीके से कैपिटलाइजेशन की जाती है, तो दोनों के डेफिनेशन को बताता हूँ कि पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के आते थे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, इसी तरीके से और माइक्रो स्मॉल कैप, इसी तरीके से बहुत सारे उनके डेफिनेशन थे। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत सारे आपके स्कीम्स लेकर के आती थी। आपको पता है कि 44 प्लस AMCs हैं जो कि म्यूचुअल फंड या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और एक AMCs के पास 20-20, 40-40, 50-50 या उससे ज़्यादा उनकी स्कीम्स होती हैं जिनमें वो पैसा लगता है। तो पिछले साल आपका सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया कि हमें कैटेगराइज कर रहे हैं, अगर हम सेबी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो एक अपने जितने भी म्यूचुअल फंड है कोई भी AMCs, अब उसे वो डिसाइड करेगी उसी कैटेगरी को कि ये मिड कैप कैटेगरी है, लार्ज कैप कैटेगरी है या आपकी स्मॉल कैप कैटेगरी है। तो उसके लिए एक डेफिनेशन बताई। तो मैं अब आप लोगों को शेयर मार्केट में, अगर आप वीडियो देखो मैंने शेयर्स के बारे में बताया, तो शेयर्स में बताना चाहूँगा कि किसी भी फंड की कैपिटलाइजेशन उसकी मार्केट वैल्यू जो है कि वो स्मॉल कैप का है, वो मिड कैप का है या लार्ज कैप का है, उस शेयर्स के कैपिटलाइजेशन पर डिपेंड करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी है इसके बारे में बताता हूँ, और मिड कैप कंपनीज कौन सी हैं, और उसके बाद में बताता हूँ लार्ज कैप कंपनीज कौन सी है। तो जो सेबी ने अपना जो सर्कुलर इशू किया था उसके बारे में मैं बताता हूँ कि फंड के बेसिस पे सेबी, आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको फुल फॉर्म बताता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जिस तरीके से आपका रेगुलाइज करती है IRDA इंश्योरेंस को, उसी तरीके से आपको ये रेगुलाइज करती है स्टॉक मार्केट की जो भी एक्टिविटी है, इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली है, किसी तरीके के कोई भी फ्रॉड्स ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, तो ये हमेशा रेगुलाइज करती रहती है। तो ये एक एक्ट है, सेबी का एक्ट भी है जो उस पर गवर्न करता है, जो इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं डूबे ना उनकी सेफ्टी के लिए इस सेबी पूरी तरीके से रेगुलाइज करती है। तो सेबी ने एक डेफिनेशन दी कि स्मॉल कैप के डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, अब मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बताता हूँ कि जैसे सपोज करिए शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो भी उसका शेयर का जो भी मार्केट प्राइस है, शेयर का मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई उस कंपनी के पास जितने भी शेयर्स हैं उसके बैलेंस शीट में, आपको देख रहा होगा कभी भी किसी कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स लिखा होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है और उस शेयर का मार्केट प्राइस, सपोज करिए कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके 100,000 हैं, ठीक है, और उसका शेयर का जो मार्केट प्राइस है, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 100,000 करिए, शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो आपका 50 रुपए है,
ठीक है। अब इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी अमाउंट आएगी वो आपका शेयर मार्केट का कैपिटलाइजेशन, मतलब उसकी मार्केट में जो उसकी एसेट वैल्यू है, जो उसकी मार्केट में कैपिटलाइजेशन है, वो इतनी है। तो आपको होपफुली यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट की कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटल के बेसिस पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप इसे बोलते हैं, तो उसके बारे में। तो सेबी ने जो गाइडेंस दी थी उसमें कहा था कि जो भी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ तक, यहाँ पे मैं बताता हूँ अप टू 5000 करोड़ या इससे नीचे, 5000 करोड़ से कम कुछ भी हो सकता है, 5000 करोड़ तक की जो भी कंपनीज हैं उन्हें हम स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी बोलते हैं। तो यहाँ और उसके बाद दूसरा आपका उसके मार्केट के कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आपका मिड कैप के बारे में बताया गया कि जिसकी 5000 करोड़ से ज्यादा, 5000 करोड़ से ज्यादा और मैक्सिमम अप टू 20,000 करोड़, ये इस जो कैपिटलाइजेशन की जो कंपनीज होती हैं उन्हें हम मिड कैप कैटेगरी में रखते हैं, और लार्ज कैप कैटेगरीज में 20,000 करोड़ से ऊपर कि जो भी कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में उन्हें हम लार्ज कैप कैटेगरीज में रखते हैं। तो अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट में इनका क्या रोल होता है। अब आप यहाँ से गैस कर सकते हैं कि जो भी कंपनीज अगर फंड वाइज जो सेबी ने बताया है, ठीक है, फंड के, तो जो भी 5000 करोड़ के जो भी आपके वैल्यू है, जो भी 5000 करोड़ की जो फंड कैपिटलाइजेशन है, उसके नीचे की जो भी कंपनीज होगी उनका एक बेंचमार्क है, तो उन कंपनीज में आपका वही कंपनीज आएंगी जिनकी कैपिटलाइजेशन इससे कम है, तो उनका एक बल्क होगा। जैसे स्मॉल कैप कंपनीज के काफ़ी किसी भी म्यूचुअल फंड में करिए तो स्मॉल कैप फंड होता है, स्मॉल कैप फंड में फिर आप देखेंगे उसकी कैपिटलाइजेशन तो 5000 करोड़ से कम जिनकी कैपिटलाइजेशन होगी वही फंड उसमें चूज किए जाते हैं, वो हमें स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं, स्मॉल कैप फंड बोलते हैं। अब उन कंपनीज का, उन ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक बल्क जब फंड बनता है तो उनका जो टोटल अमाउंट होता है, जो भी फंड एसेट्स होता है, जो भी फंड होता है वो म्यूचुअल फंड में, उसे स्मॉल कैप, अगर स्मॉल कैप की कैटेगरीज के सारे कंपनीज के आपके शेयर्स मिल करके एक फंड या एक फंड हाउस को पेमेंट कर रहे हो, तो वो जो स्कीम होगी उसको हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं, स्मॉल कैप आपके फंड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड इसी तरीके से मिड कैप के जो शेयर्स हो गए जिनकी कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है, फंड मैनेजर्स आपके एनालिसिस करते हैं, तो उसके बेसिस पे अगर उनकी कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ तक होती है मैक्सिमम और 20,000 करोड़ तक, तो इस बीच की जो कैटेगरी में जो भी शेयर्स आते हैं वो आपके कहलाए जाते हैं आपके मिड कैप कैटेगरीज के फंड कहे जाते हैं, और लार्ज कैप कैटेगरीज का 20,000 करोड़ से ज़्यादा के जो कैपिटलाइजेशन रखते हैं वैसे जो कंपनीज होते हैं उन्हें ब्लू चिप कंपनीज भी बोला जाता है और लार्ज कैप कंपनीज भी बोला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि लार्ज कैप कंपनीज 20,000 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट होगी, तो ऐसा नहीं है। आपके 8 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ तो अभी की करेंट की वैल्यूएशन क्रॉस कर चुकी है आपकी रिलायंस की, जो कि आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज है प्लस TCS है इन सब कंपनीज की, तो और हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, तो उन सब की कैपिटलाइजेशन बहुत आगे तक है। तो अब अगर आप शेयर्स में देखते हो तो अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो शेयर्स के मैं तमाम बता सकता हूँ कौन से मिड कैप में है, तो मैंने जो स्टॉक मार्केट की मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ उसमें आप लोगों को मैं बताता ही हूँ। तो इस तरीके से मार्केट का कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें आपके कैटेगराइज किए जाते हैं फंड के हिसाब से कि स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, आपका लार्ज कैप फंड है। अब ये आपके जो कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आपके टाइप्स ऑफ फंड हो गए। अब ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड इतने तरीके की होते हैं, और फंड के एनालिसिस के बाद बहुत से ऐसे आपके म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके और भी बारे में मैं बताऊंगा कि और भी कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। थीमेटिक फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है, निफ्टी के फंड्स होते हैं, तो बहुत सारी आपकी वैल्यूएशन के बेसिस पे अलग अलग थीम्स पे अलग अलग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे म्यूचुअल फंड में बहुत तरीके के फंड्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो पर्पस था, मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे मैंने म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज करने की कोशिश की, तो कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे मैंने आप लोगों को म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज बताई। तो थैंक यू सो मच, इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरह द सिंघानिया ग्रुप्स के साथ आप कंटिन्यू ज्वाइन रहें, और ऐसी वीडियोस को अगर आपको अपडेटेड चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें या सब्सक्राइब करें ताकि म्यूचुअल फंड्स की जितने भी डिटेल्स नॉलेज हैं वो सारी आपको अपडेट होती रहे। थैंक यू सो मच, इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूँ।